गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होगे। तो वेलकम बैक टू व्लॉग सिमर मुस्कान। और सुबह मैंने व्लॉग नहीं लिया क्योंकि फ़ोन इसके पापा के पास था मेरा, और सुबह से मैंने तैयारी कर ली है, परांठे बना लिए, नहा धो लिए, गुगे को नहला लिया, इसको गुगे बनाने हैं। बस तैयारी इसलिए की है क्योंकि हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी, हम भी दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन करवाएंगे। फिलहाल अभी मम्मी पापा तैयार हो रहे हैं और ये तैयार हो गए हैं, और मेरी कंघी रहती है, और गुगे की ना जो बोतल है वो वॉश करनी है, उसमें दूध डालना है। हाँ जी, परांठे पैक करने हैं। बस क्या कह रहे हो? बस ये आ गया सामान अपना, इसको रखते हैं, इसमें सारा खाने पीने का सामान, उसमें गुगे का सामान है, दूध वगैरह। ठीक है, अभी का प्लान क्या है? एक मिनट यार, ए सी ऑन कर ले। एक तो ना गर्मी के मौसम में ये बड़ी दिक्कत रहती है कि गाड़ी एकदम अंदर से लबालब लाल हो जाती है, गर्मी बड़ी लगती है यार, है ना। तो वैसे अभी का क्या प्लान है? प्लान ये कि खाटू श्याम जी, तो प्लान तो काफ़ी टाइम से बन रहा था जाने का, लेकिन वही बात है ना, जब तक वहाँ से बुलावा नहीं आता जब तक तो भैया कोई भी नहीं पहुँच सकता, हम तो क्या है। तो अभी चलते हैं खाटू श्याम जी। कौन कौन जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, मुस्कान, पापा, मम्मी और हमारा गुग्गा। अभी टाइम हो चुके 11:02, हमने निकलना तो जल्दी था लेकिन क्या हुआ ना, थोड़ा काम के चक्कर में और थोड़ा कुछ प्लान भी हमारा थोड़ा सा लेट बना, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन चलते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी जाएं, जल्दी वापस आएं। ठीक है, तो गाड़ी तो भैया मैं धीरे चलाने वाला क्योंकि फैमिली साथ में है, अगर फैमिली ना हो तो बंदा सोचता है खींच ले, लेकिन नहीं, फैमिली साथ में है, गुग्गा साथ में, इसलिए थोड़ा सा आराम से लेके आऊँगा, लेके जाऊँ। तो गाइस क्या हुआ ना, मैंने मुस्कान को रात को बोल दिया था, मुस्कान मैं 6 बजे का अलार्म लगा रहा हूँ, कहते नहीं मैं 5 बजे उठ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है 6 बजे इसका अलार्म बजा फोन का, मैंने कहा मुस्कान उठ जा, तैयार हो जा, कहती हाँ उठ रहे हो, पुसर पुसर करते होगी। 8 बज गए, फिर 8 बजे मैंने दोबारा इसको उठाया, मैंने कहा 8 बज गए जल्दी उठ जा, नहीं उठी महारानी, 8:30 बजे उठिए जाके, इसकी वजह से लेट हुए। पापा उतरे थे अपनी बीपी की दवाई लेने के लिए, ठीक है अपनी नहीं, ये ले लिया, और चलो चलते हैं अब खाटू श्याम जी पे और माथा टेक के आते हैं। ठीक है, हारे का सहारा खाटू श्याम, बाबा श्याम हमारा। यहाँ पे रुके हम अपना टंकी फुल कराने के लिए, ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे टंकी फुल करवा के, अगर ये टंकी फुल देखते हैं कितने का तेल आता है इसमें। गाड़ी में फाइनली 2800 का तेल, ठीक है, तो अभी चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी एक झोल हो गई थी, मैंने सोचा पापा ने पेमेंट तो नहीं कर दी, मैं गया था बाहर उतर के तेल डलवाने और मैंने पेमेंट कर दी, पापा बोले 2800 कर दिए ना, मैंने कर दिया, मैंने कहा है पापा आपने 2800 तो नहीं कर दिए। तो गाइस अभी बहुत बड़ी झोल हो जाती है, मैंने कहा चलो ठीक है यार शुक्र है नहीं हुआ, तो भी चलते हैं आगे। मुझे लगा पापा ने अंदर बैठे बैठे स्कैन करके दोबारा पेमेंट कर दी, तो इसलिए मैंने पूछा पापा हैं, पापा आपने तो नहीं कर दिए, पापा बोले नहीं नहीं मैंने नहीं किए, मैंने कहा ठीक है। शुगर बढ़ी हुई है, भूख लगी है, मतलब 4-4 रोटियां आता आज 5 खादियां मगर आएंगे। तो गाइस क्या हुआ ना, पापा की शुगर बढ़ी है, रीजन क्या है, रात को आइसक्रीम भर भर के खाते हैं, आइसक्रीम कटोरी भर भर के आइसक्रीम खा लेते हैं, और सुबह बोलते हैं शुगर बढ़ी है, ये हुआ है, वो है, क्या है यार। पापा मानते क्यों नहीं आप हमारी बात, मत खाया करो, ये लाती है पीछे बैठी महारानी, बाहर खा के आ रो, एक डब्बा लेके बाहर बैठ के खाओ, एक फ्रिज ऊपर रख लो। तो भाई पापा कह रहे हैं फ्रिज ऊपर रख लो, तुम अपने कमरे में नीचे लाए मत करो आइसक्रीम, पापा ऐसे थोड़ा करना यार, अलग अलग से यार आप खाए मत करो खोल के, तो एक काम कर लो तो लगा मना ऊपर वाले में, नीचे वाले में ऊपर वाले में लॉक लगवा दो, तू एक काम करें तेरे को आगे से बाहर से खिला लाऊंगा मैं यार, फिर मैं बैठ के मन करता हूं। ओ देख पीछे एक और बोली है, ओ देखो देखो चटोरी, मम्मी देखो तबीयत तबीयत भी तो देखनी है, फिर पापा ने खा दी, पापा ने कोई नहीं कुछ कहता, मेनू कहीं आप के भी तो शुगर वधी होती है, मेरी नहीं वधी होती, मैंने बाकी। चलो ठीक है गाइस, मैं थोड़ा ड्राइविंग पे ध्यान देता हूं, गाड़ी थोड़ी सी खींच लेता हूं क्योंकि लेट पहले बहुत हो चुके हैं। ठीक है, तो लोग गाइस हम आ चुके हैं कलानौर से 152 डी पे चढ़ रहे हैं, ये वो वही वाला रोड है जहाँ हम रोड पकड़ के अम्बाला तक जाते हैं जब हम पंजाब जाते हैं, तो यहाँ से 152 डी एंट्री मार रहे हैं अभी। ठीक है, तो आगे देखते हैं कितना किलोमीटर लंबा जाता है ये वाला। गाइस यहाँ से मेरे ख्याल से ना 150 किलोमीटर के आसपास सीधा जाना है ये वाला हाईवे, हमने उससे पहले कहीं नहीं बढ़ना। ठीक है, तो चलते हैं आगे, आप लोगों को भी दिखाते हैं कहाँ कहाँ से हम जाते हैं। ठीक है, तो गाइस मम्मी क्या कह रही है सुन लो, क्या कह रहे थे मम्मी? तो मम्मी कह रही है यहाँ पे ना जीव है ना जंतु ना आदमी है, दूर दूर ना ढाबा है ना कुछ है। तो मम्मी ये वाला जो हाईवे है ना मम्मी, ये टोटली दूर तक ऐसा है। हाँ ढाबे आपको मिलेंगे 5 किलोमीटर बाद, लेफ्ट लेफ्ट साइड को मिलेंगे।
लेफ्ट में मिलेंगे, उधर से राइट से आते तो राइट में भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे आपको ढाबे। लेकिन हाईवे देखो कितना ही प्यारा है, साफ सुथरा। दादरी, गजर और नारकल, हमने अभी सीधा जाना है, हमारे वाले को एक भी नहीं आया अभी, तो चलते हैं आगे देखते हैं। तो गाइस अभी क्या क्या सीन है, मेरे को लगी है थोड़ी थोड़ी भूख और मम्मी बोल रही थी सुबह से चाय पी नहीं, चाय पी नहीं। पापा चाय पी नहीं आपको? मम्मी नहीं बोल रही थी, मैं बोल रही थी चाय पी नहीं है। मतलब दोनों ही बोल रही थी, मम्मी भी बोल रही थी और ये भी बोल रही थी। पापा चाय पी नहीं? पापा पापा कह रहे हैं अगर रुकेंगे तो पी लेंगे, नहीं रुकेंगे तो नहीं। पापा सही है, मस्त मन लगा, खाते पीते जाते रहते हैं। लेकिन ठीक है यार, मेरे को भी थोड़ी भूख लगी है, मैंने सुबह कुछ खाया नहीं है, मैं भी कुछ खा लेता हूँ और दवाई भी लेनी है मेरे को, और साथ में चाय भी लेते हैं। और ये ऊपर देखो स्पीड लिमिट, हमारी स्पीड आएगी लिखी यहाँ पे कितनी है कितनी नहीं है। आ जा, ये आ गई 79, ये मेरी गाड़ी की स्पीड है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को, एसी कम कर देता हूँ क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी अच्छे से। तो एक चीज़ और दिखाता हूँ अभी आप लोगों को, ये सामने बोर्ड देख रहे हो, सामने बोर्ड आ गया, ये भैया पेट्रोल पंप, किसी को पेट्रोल डलवाना है, खाना पीना है, किसी को रेस्ट करना है, रुक के गाड़ी तो 1 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से। एक सेकेंड, यहाँ से लेफ्ट ले लो और अभी दिखाता हूँ आपको, अभी आएगा तो सर्विस लेने उतर गए हम नीचे, और आ गया सामने पेट्रोल पंप, और यहाँ पे चाय वगैरह भी होगी। हाँ आ गया, वाले पे भी बन रहा था, अभी चालू नहीं हुआ था, तो चलते हैं अभी आगे, यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं और आगे वाले पे रुकते हैं। तो लोग भाई सामने देख रहे हो पहाड़, कच्चे पहाड़ हैं, पक्के वाले पहाड़ नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ ना, वेट तो कर रहे थे हम रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट आए, रुक के चाय पीते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट तो आया नहीं, पहाड़ जरूर आ गए। उसका ना ले देख ले पहाड़, तो कह रही थी ना पहाड़ में जाना है, ले आगे पहाड़ों में बस। अभी चल ऊपर थोड़ा सा और चलते हैं, आ जाएंगे। मम्मी किस कह रही थी, क्या कह रही थी मम्मी? मम्मी कह रही है पहाड़ पे चढ़ के और कूदने का मन कर रहा है। पापा भी ये बोले पहाड़ पे चढ़ के नीचे कूद जाते हैं, मैंने बोला यार टूटे बजरे लेके जाना मेरे को घर पे, जैसे आए थे मेरे को वैसे लेके जाना है। चलो सही है, मम्मी ऐसा ना बोला करो, ठीक है। मंदिर है ये, मंदिर देखो पहाड़ के ऊपर, मंदिर है, दिखाता हूँ अभी, दिखाता हूँ। तो पापा को एक मंदिर दिखा पहाड़ पे और ऊपर झंडा, अभी आएगा मंदिर, आएगा पेड़ है ना नीचे, वो बड़ा मंदिर ये सामने बीच में, कितना प्यारा लग रहा है ना। क्या कह रही है, रेस्ट एरिया एक और आ गया, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं मिलता। टर्न आ गया, यहाँ से टर्न लेते हैं और देखते हैं इस बार कुछ मिलता है या नहीं मिलता। शायद तो मिल जाएगा क्योंकि पहले इन्होंने झंडे लगा रखे हैं यार, HP वगैरह के झंडे पेट्रोल पंप के हैं, लेकिन अगर लगा रखे तो साथ में खाने पीने का जरूर मिलेगा। देखते हैं किस्मत में, वो तो मिल जाएगा नहीं तो आगे चलते हैं। अभी बन ही रहा है कुछ मम्मी। तो गाइस यहाँ पे भी पहले की तरह कुछ भी नहीं मिला, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल तो भैया हमने पीना नहीं है, ये पेट्रोल पंप का वो है क्या बोलते हैं पीछे हॉस्पिटल था, लेकिन भैया मेरे को भूख लगी, इनको चाय पीनी है, सुबह से इन्होंने चाय नहीं पी, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, और ये ऐसा हाईवे आया कि यार हाईवे तो बड़ा मस्त मजेदार है लेकिन कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा यार। चलो देखते हैं। तो लोग गाइस मेरे को लगी थी भूख और पापा को भी लगी थी हल्की हल्की भूख, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खा रखा था, तो पापा सुबह कुछ खाया था आपने? चार रोटी खा रहे थे, टाइम भी 12:30 तो हो चुके हैं, पापा ने 1 बजे के आसपास रोटी खानी होती है वैसे भी, तो पापा बोल रहे मैं भी खा लेता हूँ, उसके बाद पीछे बोल रही परांठी। एक्चुअली क्या है ना, सुबह सुबह मुस्कान ने परांठी और अचार पैक कर लिया था, मैंने कहा मुस्कान कर ले यार, जाते जाते रास्ते में भूख लगी, मैं गाड़ी रोकूंगा नहीं क्योंकि पहले लेट थे, भूख लगी तो रास्ते में ही खा लेंगे ना, तो कोई ढाबा आता तो चाय पी लेंगे चारों जने और फिर आगे चलते हैं। चाय मिल जाए, बस आज मैंने सुबह से चाय नहीं पी, बड़ी बोर हो गई, गलती करी मैंने सुबह एक कप चाय पी आनी थी क्योंकि ना मैं सुबह उठते चाय
हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं राजस्थान। राजस्थान के अंदर अभी एंट्री मार चुके हैं, पीछे अभी टोल पार किया हमने, ठीक है। तो यहाँ का रोड फिलहाल सारा सीमेंटेड ही है, लेकिन रोड भाई साहब रोहतक से लेके यहाँ तक एक नंबर का रोड है, एक नंबर का जबरदस्त। आगे देखते हैं कैसा मिलता है, कैसे नहीं मिलता, और आपको भी दिखाते हैं। बस एक चीज बता दूंगा आप लोगों को, जब से चले हैं ना तब से एक भी ढाबा नहीं आया भाई, एक भी ढाबा। चाय पी नहीं शुरू से और हम आधे रास्ते से फालतू पहुंच चुके हैं, लेकिन ढाबा आसपास दूर दूर तक ही नहीं है यार, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन आगे देखो कितने शानदार पहाड़ नजर आ रहे हैं, कितने ही शानदार। और ये पीछे देखो, उन्हें आतंक मचा रखा है, आतंक ना सो रहा है ना किसी को बैठने दे रहा है, कभी आगे आ रहा है कभी पीछे जा रहा है, परेशान करके रख दिया। लेकिन आगे मौसम भी बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को, बादल देखो ऊपर कितने ही प्यारे लग रहे हैं, मेरे ख्याल से बारिश मिलेगी ऊपर पक्का। और सामने पहाड़ देखो कितना ही प्यारा लग रहा है। ढाबा फाइनली आ चुके हैं और पीते हैं अभी चाय गर्मा गर्म। बड़े टाइम से यार सिर दर्द हो रहा था, मेरा भी सिर दुखने लग गया था। चलते हैं अब चाय पीते हैं, मस्त सी। चुके हैं ढाबे पे महादेव ट्रक ढाबा। ओके भाई साहब, गाड़ी लगाते हैं आगे और भाई चाय पीते हैं गर्मा गर्म। तो भी आ चुके हैं हम प्यारे प्यारे राजस्थान के पहाड़ों में। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना पहाड़, इधर भी है और इधर भी है। लेकिन मौसम यार थोड़ा यहाँ पे ठंडा ठंडा सा लग रहा है बाहर निकल के, है पापा? मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है बाहर निकल के, है तो गर्मी लेकिन ठंडी ठंडी हवा लग रही है। रस्ते में चार चाय ऑर्डर कर दिए, ठीक है। मैं इसको बोल रहा हूँ कुछ खाने का, देख ले हल्का फुल्का, मैं भी खा लूंगा साथ में। लेकिन मैंने अभी तीन परोठे खा लिए, मेरा तो अभी कुछ भी चाहिए, अगर ये कुछ खाएगी तो उसको साथ में कपड़े दे दूंगा, हल्का फुल्का कुछ खा लूंगा। कुछ आ रहा पसंद? और ये ये मलिक उनकी रेडी शेडी होगी, नंगू पंगू लेके आए इसको घर से हम। अब देखो मम्मी कुछ खाना है, कितने रोटी खाई आपने? दो, पेट भर गया होगा। पापा तुसी तुसी खाना कुछ? चाय पीने का कि सर दर्द हो रहा, सुबह सुबह से चाय नहीं पी किसी ने। मैं तो वैसे भी पीता नहीं हूँ, लेकिन सफर में मैं जरूर पीता हूँ चाय, आँखें खुल जाती है। हाँ देखा, चाय नहीं पीता तभी तो मेरा रंग गोरा है। आप भी सुन लो, चाय पिया, चाय मत पिया करो, गोरे रहोगे। ऐसा नहीं होता, चाय पीने वाले गोरे होते हैं। ये देखो चाय पीने वाला मैं कितना गोरा नजर आ रहा हूँ ना। पापा काले रंग की चाय, ये राजस्थान की चाय है ना, दूध यहाँ कम होता है मेरे ख्याल में। राजस्थान की चाय देखो काली काली है। मम्मी मीठे वाली है ये? सीरियसली काली काली चाय है यहाँ पे यार, और मंगा लेंगे, क्या हो गया? चाय कैसी लगी है? चाय टेस्टी है, बेशक काली होकर है, बड़ी मजेदार। ये एक नंबर की चाय भाई, मजा आ गया से। आ गया मजा? कड़क चाय मम्मी ब्लॉग बना रही है। मेरे और मेरे बुग्गे का अलग ब्लॉग, तो मम्मी ने अलग ब्लॉगिंग चैनल खोल लिया ब्लॉगे का, और अपना हम दोनों ब्लॉग बना रहे हैं। मम्मी मम्मी अजय देवगन जी की आत्मा आ गई, लगा लिया काला चश्मा। मम्मी बोल रही है मैं पूरा दिन ही हटाऊंगा चश्मा। गाइस ये देखो दोबारा से चाय मंगवाई है, इतने से तो कप आई, इतनी सी उंगली ना, इतने कप है, ठीक है। मीठा दो तेज मीठे के दे गया, फिर वो तेज मीठा, उसमें भी मीठा तेज है, तेज है मीठा, ये तीनों तेज मीठे के दे गया। बोलो उसको उन्होंने शुगर तेज करवानी है क्या? मम्मी तो मानी नहीं, मम्मी ने अपनी चाय पूरी पी ली, पापा ने आधी चाय इनको दे दी थी क्योंकि पापा की शुगर पहले ही बढ़ी हुई है और बढ़ जानी थी। तो मम्मी कहती मेरा सिर पीड़ ठीक हो जाएगा, मम्मी नहीं मानती होती, मीठा दे दो जितना मर्जी। हाँ, और तब मीठा शुगर बढ़ेगी, फिर पेट्रोल ना पाऊंगी तब कितना जाऊंगी। हाँ पेट्रोल बंद ही जाऊंगी रास्ते पे, पेट्रोल तो आपका डलवा दिया फिक्के वाला, मीठा क्यों पिया? चलो अब चलो। तो गाइस खाटू श्याम जी की ना कचौड़ी आलू और कड़ी कचौड़ी फेमस है, तो देखते हैं हम, क्योंकि मैं एक बार गई थी ना मम्मी के साथ, गई थी बस में जाते थे हम, तब गए हुए हम, तो पता है मेरे को। बाकी आप सब भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि खाटू श्याम जी की क्या चीज़ फेमस है, हमें क्या चीज़ वहाँ पे ट्राई करनी चाहिए, ठीक है गाइस। यहाँ पे खड़े खड़े ना हमने इतने अपनी रील्स भी बना ली, और इतनी प्यारी प्यारी रील्स बन रही है ना, जिसको भी देखने ना हमारे इंस्टाग्राम पे जाके, मेरे मुस्कान के नाम से हमारी आईडी है, तो गाइज प्लीज हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर लो, है ना उन्होंने। चलिए गाइज हम निकल चुके हैं अभी चाय पी के, ब्रेक लेके चलते अपने सफर पे, वरना साथ। और पापा गए पीछे मम्मी के पास, क्योंकि ना कुछ कर रहा था
पापा को, पापा आपको मनाली लेके जाएंगे ना तब पहाड़ों के ऊपर से ही तो लेके जाएंगे। लगा लो आप 10 गुना ऊंचे जाना पर है। ये 10 गुना ऊंचे जाना पहाड़ों में बीच में से होते हुए जो मनाली जाएंगे। पापा आज तक हमारे ना मम्मी गई पहाड़ों में ना पापा गए। 10 कहीं से मेरे ख्याल से 20 गुना ऊंचे जाना पड़ेगा। और ये तो कुछ भी नहीं है पापा, ये तो नीचे ही नीचे दिख रहे हैं आपको जैसे रोड के बराबर में। वो तो आपको चढ़ाएंगे जैसे गोल 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 घुमा के पापा फिर चढ़ाएंगे आपको ऊपर। तो बंदा सीधा चढ़ दे ना। नहीं चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकता। हां खड़ी चढ़ाई है पापा, ऐसे दिखता खाली है, चोट लग जाएगी। हां बंदा थल्ले आओ, वो देखो रोड रोड जे कितने पैर फिसलेगा सीधा सीधा मर ही जाएगा बंदा ना। और सीधा थल्ले डिगेगा आगे पत्थरा ला तक रहा है सीधा का लाका पापा। और बोले गया था मनाली मणिकरण साहिब गुरुद्वारे बनाते हैं प्रोग्राम। पता नहीं क्या मंदिर है क्या है। तो गाइस वहाँ पे ना पता नहीं मंदिर बना हुआ है या घर पहाड़ के अंदर बना रखा है। पहाड़ के अंदर ही है थोड़ा थोड़ा दिखेगा। कितना प्यारा लग रहा ना, रास्ता बना रखे, सीढ़ियाँ बना रखे ऊपर चढ़ने के लिए। आते ही दिखाएंगे पहाड़ के अंदर जगह बनाई है, उसके अंदर घर सा बना हुआ है सुरंग सी खोद के। सुंदर लग रहा था पर छोटा सा था, लेकिन छोटा सा ही था। यहाँ पे ट्रैफिक जाम है इतना सारा, थोड़ा सा पुल बन रहा है ना, कितनी देर होगी। तो गाइस अभी हमारे साथ ना एक सीन भी हो गया था, हमें ना थोड़ा सा कट लेना था और हम सीधा निकल गए थे। कट दिखाने था ना मैप में दिखाया, तो इन्होंने कहा कट लेना था, तो कट आया भी था उसी टाइम, उससे पहले ही आगे गया था तभी उन्होंने बोला। मैंने कहा कट करके आया था, फिर हमें घूम के आए अपनी तो ना 20 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाना पड़ता हमें। और ये कट भी 3 किलोमीटर बाद आया था, 3 किलोमीटर आने का 3 किलोमीटर का है, 6 किलोमीटर का ये बच गया। ये देखो बादलों में क्या बना हुआ है, कमेंट करके जरूर बताना क्या बना हुआ है, आपको क्या लग रहा है। तो गाइस आगे ना मेरे को लग रहा है बारिश हो रही है बड़ी तेज, क्योंकि काला काला छाया हुआ है सब जगह बादल। और ये सिंगल रोड आ गया जहाँ से हम निकले, पहले वाले जिस रोड पे चढ़े थे ना वो रोड बहुत बढ़िया था। हाँ। सीधा हाईवे था लेकिन वो फालतू पड़ रहा था, वो पड़ रहा था हमें कम से कम 14-15 किलोमीटर फालतू। टाइम वही लगेगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि टाइम वही लगना है क्योंकि अपन देख यहाँ जाम में फंस के आते हुए शाहपुर, उसके बाद ये सिंगल रोड की स्पीड उठेगी नहीं। वहाँ जा रहे थे 110-120, यहाँ गाड़ी चल रही सिर्फ 70। चलो कोई नहीं, देखते हैं बात। चक्कर पता क्या पड़ गया, तो चक्कर ये पड़ गया गाइस कि हम लोग कपड़े नहीं ले गए अपने साथ, तो एक रात यहाँ पे स्टे कर लेते हैं, कोई इशू नहीं था है ना। 20 किलोमीटर 23 किलोमीटर आगे जयपुर है, जयपुर से ले आते, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो गई है कपड़े नहीं ले गए हम साथ में। या तो क्या करेंगे, जाके मार्केट से कपड़े खरीद लेंगे, टी शर्ट खरीद लेंगे, लोअर खरीद लेंगे है ना। देखते हैं ऊपर चल के, देखते हैं क्या क्या कुछ होता है, आप लोगों को बताते हैं साथ में। इतनी जल्दी थोड़ी, लेकिन कोशिश तो यही रहेगी मेरी कि मैं सेम डे वापस जाऊँ। गाय आ गई छोटी छोटी। यहाँ पे बारिश भी शुरू हो चुकी है हल्की हल्की है ना, दूर से देख रहे थे ना शाहपुर से, ऐसा लग रहा था कि ऊपर बारिश हुई। क्या कह रही, मैंने बोला था कि बारिश हो रही है आगे, काला काला छाया। वाह जी वाह, तेरी यार, तेरे जवान सरस्वती तो नहीं बैठती है। चलो सही है गाइस, मौसम बहुत प्यारा रखा है यार, मौसम बहुत ही ज्यादा प्यारा रखा है। और सामने पहाड़ देखो कितने ही प्यारे लग रहे हैं। उन्होंने कई बार जितना मैं बोल दिया ना तो मौसम अच्छा है, चल सही है। सिखा रही है मुस्कान को पंजाबी, मम्मी कह रही है तू जीता, पंजाबी बोल रहा है चलो ठीक है गाइस, पंजाबी तो सीखते रहेंगे। मैं गाड़ी चलाने में थोड़ा ध्यान देता हूँ क्योंकि थोड़ा पहाड़ी सा एरिया आ गया और लेट भी काफी हो रहे हैं, तो चलो चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ नो फास्टैग, फास्टैग नहीं है यहाँ पे, पैसे निकालने पड़ेंगे। तो मम्मी कह रही है पापा को जल्दी से पैसे निकाल लो, कितने पैसे लगेंगे, खाना तो ले लो। अभी पापा पापड़ ले रहे हैं 20 रुपए का, इतना महंगा 20 रुपए का पापड़, 2 रुपए का पापड़ आता था ये साढ़े टाइम में, 10 रुपए का 10 ही पापड़।
अभी उतरे थे पानी बोतल लेके आए हैं, ठंडा पानी अभी बोतल में डाल देंगे फिर ठंडा ही रहेगा। क्या कह रहे हो? ऐसे बोतल ऐसे रख देंगे वैसे जाएगी, गर्म होने के बाद पिएगा नहीं कोई भी पिएगा, तो जाके ठंडी बोतल लेनी पड़ेगी। क्या